हेलो एवरीबॉडी, क्लास नाइन की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट है स्टोरी राइटिंग पर और इंग्लिश की वर्कशीट है बेटा वर्कशीट नंबर 29। टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, देख आपको अगर आपको याद हो वर्कशीट 28 में हमने कहा था स्टोरी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट फोर थिंग्स दैट अ स्टोरी मस्ट कंटेन। एक स्टोरी में चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जिसके कारण वो स्टोरी एक अच्छी स्टोरी बनती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी डियर स्टोरी राइटिंग। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी राइटिंग डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज आर लेसन फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट। जो कि हमने देखा था कि एक स्टोरी के चार पार्ट्स होने चाहिए। एक तो उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए, यानी कि उसमें हीरो, साइड हीरो, एक कोई भी ऐसे पार्ट्स जिसमें एनिमल्स हो सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स को भी लिविंग थिंग मान सकते हो, पीपल हो सकते हैं। सेटिंग होनी चाहिए, यानी कि कहाँ पर हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होनी चाहिए कि क्या समस्या हुई जिसकी जिसके समाधान के लिए स्टोरी लिखी गई। तो एक प्रॉब्लम होनी चाहिए और एक सोल्यूशन, लोग होने चाहिए। बस हो गई स्टोरी तैयार। चलिए लेट्स कुक अप स्टोरीज नाउ। दिस वीक यू विल रीड अ स्टोरी इन विच सेंटेंसेस आर नॉट इन सीक्वेंस। आफ्टर रीडिंग फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ग्रीन बॉक्सेस। इस वीक आप एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें जो सेंटेंसेस हैं ये सही नहीं है। यानी हम क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को एक सीक्वेंस में लिखेंगे। इसको पढ़ने के बाद ग्रीन बॉक्स में जो लिखा है वो करिए। वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर एंड चैलेंज्ड बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस। एक दिन एक स्कॉलर मतलब पढ़ा लिखा इंसान, विद्वान, राजा अकबर महाराज सम्राट, सम्राट होता है, एम्परर मीन सम्राट, सम्राट अकबर के दरबार, कोर्ट इस दरबार में आता है और चैलेंज करता है किसको, बीरबल को, टू आंसर कि वो आंसर दे हिज क्वेश्चंस, उसके सवालों का, एंड दस प्रूव, और प्रूव करे दैट ही वाज एज क्लेवर एज पीपल सेड ही वाज, जैसा कि लोग कहते हैं कि वह बहुत चतुर है, तो साबित करे कि वह उतना ही चतुर है जितना लोग कहते हैं। Both the emperor and Birbal had a difficult day. उनका दिन वैसे ही बुरा गया था and were impatient to leave, और घर जाना चाहते थे दोनों। impatient थे मतलब patient होता है वो हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं बेटा, एक पेशेंस होता है धीरज रखने वाला, धीर धरने वाला। तो वो काफ़ी impatient थे और जाना चाहते थे। well then tell me, तो बताओ, said the man, आदमी ने कहा, which came first into the world, the chicken or the egg, आदमी ने कहा, अच्छा बताओ कौन सी चीज़ दुनिया में पहले आई, the chicken or the egg, chicken आया कि egg आया, है ना, अंडा आया कि मुर्गी आई, the chicken, said the बीरबल, बीरबल ने कहा chicken आया मुर्गी आई, ask me one difficult question, बीरबल ने कहा कोई मुश्किल सवाल पूछो, We had agreed you to ask only one question. मैंने तुमसे एक ही question पूछने के लिए कहा and you have already asked it. और तुमने पहले ही पूछ लिया है, said बीरबल, बीरबल ने कहा, and he and emperor walked away leaving the scholar gaping. Gaping मतलब ऐसे, मतलब बंगले झांकता रहा, he was looking in surprise कि ये क्या हुआ, वो दोनों चले जाते हैं। अब हमें इनको बेटा सीक्वेंस में लगाना है, ये अलग अलग लाइन्स आ रही हैं। देखिए, ही आस्क बीरबल, बीरबल ने उससे पूछा, वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चंस और जस्ट अ सिंगल डिफिकल्ट वन, आप एक सिंगल डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे या 100 आसान सवालों का जवाब देना चाहेंगे या एक मुश्किल सवाल का, हाउ डू यू, तुम्हें कैसे पता, आस्क द स्कॉलर, स्कॉलर ने पूछा, अ नॉट ऑफ ट्रायम्फ इन हिज वॉइस, ताकि उसको लगा कि वह जीत गया है, ऐसा उसको लगा। तो अब ये पूरा हमने पढ़ लिया है, अब हम शुरू करते हैं कि क्या हुआ है, शुरू से शुरू करते हैं। आई थिंक सबसे पहले यही होना चाहिए, एक दिन की बात है, बीरबल और अकबर, एक स्कॉलर आता है उनके पास कि वो उनका जवाब दे, और उसके बाद ये वाला सेंटेंस भी ठीक है कि उन दोनों का दिन अच्छा नहीं गया था, दे हैड अ डिफ़िकल्ट वे। यहाँ पर हैड और हैड दो बार आया बच्चे, यहाँ पर हैड जो है ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है, पास्ट परफेक्ट, और हैड जो है दूसरा हैड जो है ये हैव की थर्ड फॉर्म को दिखा रहा है, यानी बी की थर्ड फॉर्म को। तो हैड और हैड दोनों बिल्कुल सही है, इसको गलत मत समझना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है बच्चे। तो दूसरा भी सेंटेंस हो गया, पहला हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया बच्चे। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, बोथ द एम्परर हैड एंड वेरी इंपेशेंट टू लीव, द चिकन, सेड द बीरबल, ये
we had agreed you to ask only question and ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. ही आस्क बीरबल, ये तीसरा सेंटेंस, वो बीरबल से पूछता है आपको 100 का जवाब देना है कि एक का, ठीक है. उसके बाद बीरबल कहेगा हाउ डू यू नो, आस्क द स्कॉलर, वेल देन टेल मी सर विच केम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड. इसके बाद चौथा सेंटेंस होना चाहिए बीरबल आंसर्ड. ये लास्ट सेंटेंस होगा बेटा, ये वाला जो होगा ये लास्ट होगा, इस पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होगा ये, ठीक है. हाउ डू यू नो सर द, इसके बाद ही आस्क रिबल 100 क्वेश्चंस एंड देन टेल मी सेट द मैन द चिकन. इसके बाद ये होना चाहिए द चिकन, ठीक है. ये लास्ट होना चाहिए हाउ डू यू नो. एक मिनट रुको बच्चे, मैं एक सीक्वेंस में लगा दूँ इनको. ये लीजिए बच्चों, यहाँ पर शायद एक सेंटेंस मिसिंग है. देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे स्टोरी है. पहले तो ये है, वन डे वो स्कॉलर आता है, वो उससे कहता है कि आप बताओ कि आप चाकलाक होगे नहीं. वो दोनों घर जाना चाहते थे. तीसरी लाइन है, बीरबल से वह पूछता है आप एक 100 सवालों के जवाब देंगे आसान या एक मुश्किल सवाल का. इसके बाद एक लाइन ये होनी चाहिए थी कि मैं वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में आई विल आंसर. वो पूछता है तो फिर वो आदमी कहता है एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जब वो कहता है तो वो कहता है हाँ, क्या पहले आया था चिकन. ये चौथा सेंटेंस होगा ये वाला बच्चे, चौथा चिकन आया कि वो आया. तो उसके बाद बीरबल कहते हैं चिकन. फिर चिकन कहते ही स्कॉलर कहता है आपको कैसे पता कि चिकन आया था पहले. फिर बीरबल कहते हैं कि आपने कहा था कि आप एक सवाल पूछेंगे, मैं एक सवाल का जवाब दे चुका हूँ, अब मैं जाता हूँ, क्योंकि आपने पहले ही पूछ लिया चिकन और एग वाला क्वेश्चन, आपसे पहले ही पूछ लिया. तो अगर आपने पहले ही पूछ लिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ. और दोनों चले जाते हैं और स्कॉलर उसको देखता रह जाता है, ठीक है बच्चे. ये है आपकी स्टोरी. बेस्ड ऑन रीडिंग द स्टोरी आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स. चलिए कैरेक्टर्स बताइए, पहले कैरेक्टर्स कौन है. एक तो है अकबर, है ना बच्चे, अकबर हैं, एम्परर अकबर. उसके बाद बीरबल हैं और साथ में है एक स्कॉलर. कौन है, एक स्कॉलर है बच्चे, तीनों कैरेक्टर्स हैं. सेटिंग क्या है, कोर्ट है. किसका कोर्ट है, एम्परर अकबर का कोर्ट है. वहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और अकबर और बीरबल घर जाना चाहते हैं. दे आर इन, वो चाहते हैं कि वो जल्दी से घर पहुँचें. प्रॉब्लम क्या है, स्कॉलर वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन. स्कॉलर या तो क्वेश्चन पूछना चाहता है या वो चेक करना चाहता है कि बीरबल, स्कॉलर वॉन्ट्स टू चेक बीरबल्स विजडम, ठीक है बच्चे. वो बीरबल की विजडम को चेक करना चाहते हैं. उसके बाद सोल्यूशन क्या निकलता है, बीरबल जीत जाते हैं. बीरबल विंस बाय हिज विट, अपनी चालाकी से बीरबल फिर से जीत जाते हैं. काफी विटी नेचर के थे, WIT विट, ठीक है बच्चे. हो गया क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरी को रीराइट कीजिए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में. आपको स्टोरी लिखनी है इसी तरह जैसे मैंने बताई है, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लिख दिया है. ऐसे ही आप इस स्टोरी को यहाँ पर लिख देंगे. आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई. कोई डाउट हो तो बेटा पूछिएगा कमेंट बॉक्स में. मिलते हैं बच्चे, बाय बाय.